लाइट नहीं जलाओगे 4 घंटा इसका बैकअप है पंखे के अंदर। हमारी एक मोबाइल की केबल लगा रखी है, ठीक है, मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। कुछ देर बाद के अंदर मोबाइल चार्ज होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चार्जेबल बताएगा दोस्तों, ये बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक इमरजेंसी फ़ैन के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है, बरसात के टाइम में और गर्मियों के टाइम में। तो दोस्तों ये एक मिनी फ़ैन है, फॉर्च्यूनर कंपनी का है, और इसके बारे में हम इसकी क्वालिटी इसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो इमरजेंसी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर एक LED लाइट दे रखी है, जो नाइट के अंदर हम इसको 5-6 घंटे नहीं 8-10 घंटे इसको कंटिन्यू चला सकते हैं, पूरी नाइट चला सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सुविधा दे रखी है, यहाँ पर एक एक स्विच दे रखा है, ये जो एक फ़ैन का है ये वाला, और इधर आप देख सकते हैं, इधर आप इसको चूज करेगा तो ये वाली लाइट जलेगी दोस्तों, ठीक है। और आप इधर की साइड में इसको पुश करोगे तो यहाँ पर मोबाइल चार्ज होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देख सकती हो मोबाइल चार्ज हो रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा ये मोबाइल चार्जर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये एक चार्जेबल फ़ैन है और इमरजेंसी सुविधा के लिए दोस्तों, आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ से इधर भी घुमा कर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर बैटरी लगी हुई होती है, इसकी सर्विस होती है दोस्तों। अगर पंखे को आप कंटिन्यू चलाओगे तो 4 घंटा चलेगा दोस्तों, 3 घंटे तो हाई स्पीड में चलेगा और 1 घंटा थोड़ा धीरे चलने लग जाएगी क्योंकि बैटरी डाउन हो जाती है। नॉर्मल स्पीड 4 घंटा तक सर्विस दे देता है। यहाँ पर एक चार्जेबल केबल है, यहाँ पर इसको 7-8 घंटा इसको चार्ज करना पड़ता है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार और प्यारा पीस है, इसकी प्राइस भी हम इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो बताने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नहीं आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताना, ताकि ऐसी ही बेसिक नॉलेज वाली और इलेक्ट्रिकल्स आइटम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है, और हमें भी मोटिवेशनल मिलती हैं आपके सब्सक्राइब करने से, और हम अलग अलग क्वालिटी के वीडियो बनाते हैं दोस्तों। जैसे हम इसको चार्ज करते हैं उसके बाद में इमरजेंसी लाइट चल जाती है, इमरजेंसी सुविधा के, तो हम इसको इस स्विच से हम इसको चला सकते हैं। ये देख सकते हैं बैटरी वाला मिनी पंखा है, जिससे हम आसानी से आराम ले सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड फैन है, ठीक है। अभी इस कंडीशन के अंदर आप मोबाइल चार्ज नहीं करोगे, लाइट नहीं जलाओगे, 4 घंटा इसका बैकअप है पंखे के अंदर, और पंखे को आप बंद रखोगे तो ये 4 घंटा नहीं, ये 12 घंटा लाइट रोशनी देगा, ठीक है। इधर की तरफ तो हम इसको ऑन करते हैं, लाइट जलती हैं, और जैसे ही हम ये 2-way स्विच हैं दोस्तों, अगर इसको हम उधर दबाएंगे तो मोबाइल चार्ज होगा दोस्तों। ये हमारी एक मोबाइल की केबल लगा रखी है, ठीक है, मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। कुछ देर बाद के अंदर मोबाइल चार्ज होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनी के अंदर दिख नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। ये मोबाइल चार्ज हो रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, बाकी मोबाइल चार्ज हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हो अच्छे से दिख रहे हैं, तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये चार्जिंग वाली लाइट आ रखी है, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगा ये चार्जिंग वाली लाइट आप देख सकते हैं ये अभी गम चुकी है, ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑन करता हूँ वापस चार्जेबल बताएगा दोस्तों, ये बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई, और वीडियो भी पसंद आएगी, और सिस्टम इसका फ्यूचर सिस्टम पसंद आया होगा। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर इसके अंदर बैटरी होती है 12 वोल्ट की दोस्तों, 12 वोल्ट DC फैन है यहाँ पर, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं दोस्तों। DC फैन है, आप देख सकते हैं पंखे की स्पीड कम होने पर तुरंत चार्ज लगाए, फुल डिस्चार्ज पंखे को 8-9 घंटे से अधिक चार्ज न करें, पंखे की समतल जगह पर ही रखें, पंखे को चार्ज लगाते समय चार्जिंग इंडिकेटर चालू होना चाहिए, पंखे चार्ज होते समय LED लाइट चालू नहीं करें। LED लाइट इसलिए चालू नहीं करें क्योंकि हाई वोल्टेज के हिसाब से 12 वोल्ट की LED शॉर्ट सर्किट होने की ख़राब होने के चांस होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको पंखे के इधर चला सकते हैं, फ़ैन चालू हो गया, उसके बाद में हम LED लाइट को ऑन कर सकते हैं।
दोनों को एक साथ चलाओगे दोस्तों, क्योंकि मोबाइल चार्ज इसके अंदर नहीं होगा, या तो दोनों को मोबाइल को साथ चार्ज कर सकते हैं। एमरजेंसी सुविधा के इसके अंदर तीन तीन सिस्टम है दोस्तों, इसको लाइट सुविधा है, पावर बैंक है मोबाइल का, और डीसी फैन है, इसको चार्ज लगा सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।